गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बजे है सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं बोरिम ब्रिज। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं पैरा कोकोनट ट्री रोड, जो काफ़ी फेमस एक रास्ता है। बहुत सारे व्लॉगर्स वगैरह वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, तो हम लोग भी वहाँ पे जाने वाले एंड सनराइज़ के शॉट्स लेने वाले हैं ड्रोन के। हमने गोवा के इस बार अलग अलग लोकेशन चूज किए हैं। हम लोग नॉर्मल वो कलंगुट बागा वगैरह कुछ नहीं करने वाले। ये जो जो भी लोकेशन आज हम लोग करने वाले हैं ना, वो काफ़ी यूनिक है एंड हिडन जेम्स रहते हैं ना गोवा के, उस टाइप के। तो चलो मिलते हैं बाइक पे सीधा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. तो गाइस हम लोग पहुंच गए एक सीक्रेट लोकेशन पे, ब्रोकन बोरियम ब्रिज। हमारे पीछे वो फेमस ब्रोकन ब्रिज जो अभी अबेंडन है, यूज़ नहीं करता कोई, और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं फोटोशूट के लिए। तो हम भी आए, यहाँ से ड्रोन फ्लाई करेंगे। सामने का लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा है। सही है भाई, सनराइज हो रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हो। बहुत सही लोकेशन है, मस्ट विजिट प्लेस इन द गोवा। काफ़ी पीसफुल लोकेशन है ये, एकदम शांत। सनराइज के टाइम पे आप यहाँ पे आ सकते हो एंड चिल एक आधा घंटा स्पेंड कर सकते हो, अच्छे से फोटो खींच सकते हो। हमने भी बहुत सही ड्रोन शॉट लिया, अभी भी चालू है ड्रोन शॉट। उधर दिख रहा भी नहीं अपने को, सनसेट दिख रहा है ना। सनसेट नहीं, सनराइज ये देख, देखा। यहाँ के लोकेशन का शूट हमारा हो गया है, अभी हम लोग रैपअप कर रहे हैं, सब पैक वगैरह कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं पैरा कोकोनट स्ट्रीट, जो कि गोवा का काफ़ी फेमस स्ट्रीट है फोटोशूट के लिए। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ड्रोन वापस फ्लाई करेंगे एंड फोटोशूट करेंगे एंड ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मेरा गोप्रो का बैटरी हो गया लो, वो चेंज करना पड़ेगा, तो मैं सीधा आपको वहाँ पर ही मिलता हूँ। तो गाइज फाइनली हम लोग वो फेमस स्ट्रीट पर आ गए हैं। मेरे पीछे कोकोनट ट्री का स्ट्रीट, ये पूरा यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम लोग थोड़ा साइड पे रुके हैं बाइक्स लेके, और यहाँ से हम लोग अभी ड्रोन फ्लाई करेंगे ऊपर। तो चलो देखते हैं ड्रोन के शॉट्स। पैरा कोकोनट ट्री रोड इज वन ऑफ द मोस्ट फोटोजेनिक लोकेशन फ्रॉम द गोवा, वेयर यू कैन टेक लॉट्स ऑफ गुड पिक्चर्स एंड स्टोर देम इनटू योर मेमोरी फॉर एवर। विदाउट विजिटिंग दिस लोकेशन योर गोवा बकेट लिस्ट इज इनकम्प्लीट। We took some good photographs at our visit time to Para Road. You can check them on my Instagram profile. Link is in the description. After spending 1.5 hours, we decided to head towards the Fountain Street, which is another famous location from the Panji.
Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. So guys, abhi hum log ja rahe Immaculate Saint Church. नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसका, पर देखने में बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत सारे मूवीज़ में वगैरह उसका शूट हुआ है पहले ही. आपने अगर मलंग मूवी देखा होगा तो उसमें इस चर्च का शॉट है. एक ओ हम लोग ने वापस गलत रूट ले लिया. ये शायद वन वे है. हाँ, ये डेफिनेटली वन वे है. घूम के जाना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे. अनुज नेविगेशन हैंडल कर रहा है हमारा. ये गोवा में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है. मैं ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले आया था गोवा, तभी से इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई है ना. जो छोटे छोटे रास्ते थे, गलियां थी ना, वो बड़े बड़े रास्तों में कन्वर्ट हो गई है पूरी. एंड हमारा थोड़ा मूड ऑफ हो गया है यहाँ पे फाउंटेन हाउस के स्ट्रीट पे, क्योंकि हमने सोचा था कि खाली मिलेगा स्ट्रीट पर. हर जगह पे गाड़ियाँ पार्क की है हर घर के सामने एंड काफ़ी सारे बंगलोज के वगैरह कलर वगैरह चेंज करके रखे हैं. आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड पे सारे वही बंगलोज है एंड गाड़ियाँ कैसे पार्क की है यहाँ पे. अनुज कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है पता नहीं. मलंग में यही है, ऊपर जाके ऐसे गोप्रो घुमाएगा तो सेम मलंग का फीलिंग आएगा. हो गया स्टेबल बाइक. ये सामने चर्च है हमारे, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग. केविन की इच्छा रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा, चालू है. हाँ बहुत सही आर्किटेक्चर और पूरे इसमें कलर थीम मेंटेन की है, लाइक वाइब्रेंट कलर जोन है. बिल्डिंग्स है पूरा वाइट वाइट, काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है. ब्लू एक एकदम मरून है. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे 2-3 फोटो लेके बढ़ रहे हैं कैंडोलिम बीच की तरफ एंड वहाँ पे शैक्स लेके थोड़ा रेस्ट चिल करेंगे. कि दिमाग पूरा पक गया है, हालत खराब हो गई है धूप की वजह से. चलो निकले कैंडोलिम बीच. गरम हो गया भाई बाइक, भाई बहुत गरम हो गया बाइक. अभी हम लोग आए कैंडोलिम बीच. अभी यहाँ से नीचे जाएंगे एंड शैक्स लेके बस आराम से बैठेंगे. गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली हमने. लगा सीख गया भाई तू. जा क्या बात है, बहुत सही. अभी हम लोग को आधा घंटा हो गया यहाँ पे रुक के, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिया हमने. मैंने चाय पिया क्योंकि मेरे गले की हालत बहुत खराब है. बहुत मजा आ रहा है. अनुज कितना घंटा नींद हुआ कंप्लीट तेरा? एक घंटा नींद अनुज ने कंप्लीट किया है. मजा आ रहा है. एक घंटा एक वीक का नींद कंप्लीट करके बैठा है वो. एक घंटा जो भी है माया में थोड़ा फोन देखा, यूट्यूब देखा, सिक्योरिटी रिपोर्ट का देखा, फोन रखा एंड डाला नींद. मस्त
और फिर उठा तो मस्त ग्रीनरी। और केविन पूरे फैमिली का शॉपिंग करके आया है भाई। केविन शॉपिंग करके आया फैमिली का पूरा। अभी जा रहे हैं वापस, जाते जाते सिक्वेरियम फोर्ट को विजिट करेंगे। तो ये है अगोड़ा फोर्ट एंड सिक्वेरियम फोर्ट का पार्किंग, दोनों का कंबाइन लग रहा है मेरे को, क्योंकि अब वहाँ पे अगोड़ा भी लिखा था। 50 रुपीस पर बाइक, 4 घंटा पर बाइक 50 रुपीस। कोविड का पूरा वसूल किया है, 50 रुपये एक गाड़ी का पार्किंग लेके। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आगे राइट को जाना है, थोड़ा दो मिनट चल के जाना पड़ेगा लोअर फोर्ट पॉइंट के लिए, सनसेट पॉइंट। सिक्वेरियम नहीं है भाई, लोअर फोर्ट पे जाने का है। वही हो गया ना, सिक्वेरियम और अगोड़ा फोर्ट से एक ही हो गया। भाई फोर्ट ताज का प्रॉपर्टी जो अपन देख रहे थे ना, टेनिस कोर्ट ताज का है। So my second day in Goa ends with a gorgeous sunset from the Sequoia Fort. You can say it's a quite busy day because we covered lots of famous places from North Goa. Now as I am done with North Goa, I am going to take you on a ride with me to the South Goa in the next vlog of this series. So stay tuned and keep supporting this channel, Mr. Black and White, so we can travel, explore and ride together. Don't forget to hit the like button and bell icon, which is at the right side of the subscribe button. See you soon in the next vlog.